नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। बिटोडी ग्राम में ग्राम वासियों ने किया हड़ताल। ज्ञात हो कि बालाघाट जिले के बिटोडी ग्राम पंचायत में सरपंच, सचिव और रोजगार सचिव के द्वारा फर्जी हाजिरी भरने और मजदूरों का भुगतान नहीं करने को लेकर आज बड़ी तादाद में ग्रामीणों ने हड़ताल किया। ग्रामीणों का कहना है कि रोजगार सचिव और सरपंच की मिली भगत से ग्राम के मजदूरों को रोजगार नहीं मिल रहा है और जिनको रोजगार मिल रहा है उनको मजदूरी कम मिल रही है। कुछ लोगों ने बताया कि हमें बहुत महीनों से मजदूरी नहीं मिली है। ग्रामीणों की हड़ताल में प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और उन्होंने फर्जी हाजिरी के मामले में जांच की बात कही और मजदूरों को जल्द से जल्द उनकी मजदूरी दिलाने की बात कही। ग्रामीणों के इस उग्र आंदोलन में ग्राम प्रधान हाय हाय के नारे लगाए गए। अब देखने वाली बात ये है कि प्रशासन अब क्या कार्यवाही करेगा और क्या गरीबों को न्याय मिल पाएगा। पंचायती राज न्यूज से प्रहलाद जगदीश की रिपोर्ट। आप भूखड़ बैठे? जी सर। किसका रहते हैं? हमारा एक बंधान का काम था सर, कुछ स्वयं 54,000 का, उसमें सीसी जारी हुई जिसमें 11 जो काम किए हैं खाली 31 मजदूर ने, और साहिब रोजगार बोल रहा है कि तुम्हारा पूरा पैसा हो गया है, मात्र 20,000 बचा है 54,000 में। उसने फर्जी मजदूर में नाम डाल के पैसे अवैध निकाल दिए। फर्जी मजदूर में किसके नाम डाले? मुर्दज बहटवार है, ईश्वरी और महेश, ये तीन नाम हमारे पास आए। जी सर। तालाब किसका था? रतन लाल नकपुरी। मेरा भाई है। हमने जब 2021 का था ये, जब हम मजदूर निकालने गए तो उन्हें बोले कि पंचायत वाले की आप निकल के को आओ। जब हमने पूछा कि यार हमारा पैसा कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने बताया कि हमारा पैसा मात्र 21,000 रुपये बचा, 54,000। और हमारे हिसाब से हमको मेट ने, रवि मेट ने 31 मजदूरी दिया था लिख के, और 31 मजदूरी हुई थी। अच्छा, इस लिपा पोती में आप किसका आशय समझते हैं? सहायक रोजगार का। रोजगार से? जी सर। आपके रोजगार सहायक कौन है? धनराज दमा। अच्छा, इन्होंने ऐसे काम और किया है? बहुत सारे किए सर, हर जगह वही काम करता है। माने दमाए पर कार्रवाई होना चाहिए? होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होना चाहिए सर। एक हमारे यहाँ सर, ये हमारे बड़े भैया हैं। जी जी। इनका मकान 268 पे नाम था, इनको 15,000 की मांग कर रहा था सहायक रोजगार, जो कि इन्हें पैसे नहीं दिया तो इनका नाम ही उड़ा दिया, मकान का नाम ही उड़ा दिया। वो मकान किसी को बेच दिए तो ये, और बोलते हैं खैलान जी पर जाओ, क्या करोगे, आड़मे के पास जाओ, सी ओ के पास जाओ, वो सब हमारा बने, हमारे 5 लोगों को पैसे जाते हैं, ऐसे करके बोलते हैं सर। अब किसको जाता है ये हमको जानकारी है ही नहीं। जी, हम सभी ने मनरेगा के तहत जो नया तालाब निर्माण कार्य हुआ है उसमें मजदूरी का कार्य करें, लेकिन हमारी जो मजदूरी 193 रुपये निर्धारित है, उतनी मजदूरी न देकर हमको सीधे सीधे 110-125 रुपये तक, मतलब मास्टर रोल में नियमित हाजिरी बराबर है, लेकिन हमारे पैसे कट के हमारे खाते में क्यों डले? हम ये प्रशासन और पंचायत से पूछना चाहते हैं कि हमारा पैसा बाकी के कौन देगा और कब दोगे? हमारा मजदूरी का मेहनताना कब दोगे? हमारे को समय पर काम नहीं आया तो हमारा मजदूरी करने का मतलब क्या रहा? मास्टर पे कोई नाम अवैध रूप से? मास्टर पर अवैध नाम बहुत से डाले जाते हैं और उनकी राशि नहीं कटती, ये बिल्कुल सही है। आप कैसे मालूम? हमने ये देखा है, मास्टर में जो नाम है उनके जो खाते में राशि आई है, उन्हें बताए भी कि भाई हमारे खाते में पैसे डाला है, और भी हम पंचायत के कुछ लोग बोलते हैं हम पंच है, कुछ बोलते हैं कि भाई हमारी चलती है, इस टाइप के ऐसे अवैध नाम बहुत सी मिलेंगे आपको मास्टर। अच्छा सर, ये बताइए अपने यहाँ पर कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार तो बिल्कुल सब में भ्रष्टाचार। अभी ये 7 साल से बन रहा तुम्हारा मंगल भवन, इसका तो पूरा जंगल भवन बना दिया पैसा खा के, पूरा का पूरा पैसा खा के। अभी चलोगे तो वहाँ जो फर्जिंग हुई है, मतलब कहना कि टोरिंग हुई है ना रूम में, तो ऐसा बजता है कड़कड़ 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 जैसे। तो ये कोई स्ट्रेंथ है क्या? ये कोई क्वालिटी है? पैसा सरकार मूल्यांकन के हिसाब से नहीं देती क्या? इंजीनियर रहता है, मूल्यांकन के हिसाब से पैसा आवंटित होता है, फिर काम में स्ट्रेंथ है क्यों नहीं? क्या लागत था? क्यों ऐसा, मतलब इंजीनियर और सब मिली भगत लागत 20 लाख की लागत से बनाए हो? आपके दृष्टि से कितने लागत का लगता है? वो तो ऐसे ही आधा पैसा तो डकार दिए। अच्छा, आधा पैसा तो डकार दिए। और बताइए कहाँ पर भ्रष्टाचार है? ऐसी सीसी रोड का निर्माण हुआ, नालियों का निर्माण हुआ, सब में तो भ्रष्टाचार है। ये हमारे पास एक महिला मजदूर बैठी है, इन्हें 1 साल हो गया काम करिए तो उसको 1 रुपये नहीं मिला, तो फिर उसका पैसा क्यों नहीं मिला? ऐसे कितने मजदूर हैं जिनकी मजदूरी नहीं मिली है? यहाँ पर बहुत से मजदूर है, कहना चाहिए मिनिमम 100-150 मजदूर है जिनको राशि बिल्कुल कट के मिली, और कुछ को तो ऐसा है कि मिली कि नहीं, इनको मिली नहीं एक भी राशि।
जो अवैध नाम चलाए गए हैं। और ये जब बना जो खेल मैदान है सर, ये खेल मैदान तो पूरा का पूरा प्राकृतिक निर्मित है, मानव निर्मित कुछ भी नहीं हुआ। आप इस पर जाके देख सकते हैं, जो प्रकृति ने बनाई थी जगह लेवल, बस वैसे ही है सेम, उसमें मानव निर्मित कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा पैसा मतलब आपका कहना है कि कागजों पर है। हाँ, कागजों पर, कागजों पर निर्माण हुआ है, वस्तु से मतलब स्थिति स्थल पर कोई निर्माण है तो कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, स्थल पर कोई निर्माण कार्य नहीं है। और ऐसे कोई कार्य बताइए। ऐसे जैसे कि अभी प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, उसमें जो पात्र हितग्राही है उसको अपात्र कर दो। क्यों? क्योंकि वो पैसे नहीं दे रहा। पैसे देते अगर आप है तो आपको अभी के अभी पात्र कर दिया जाएगा। जी जी, यहाँ पर ऐसे और भी हितग्राही है, ये जो भैया है परेशान है, इनका कच्चा मकान है और गिरने की कगार है, पूरा मकान जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। ये पंचायत जाते बार बार तो बोलते हैं आप तो अपात्र है, आपका तो पक्का मकान है, मौका स्थल पर देखते नहीं, शिकायत करते, कोई जांच अधिकारी देखने भी नहीं आती, कोई सुधे नहीं लेता मजदूरों की, मतलब गरीबों की। 14 तारीख की शिकायत की। तो आपकी मंशा क्या है? हमारी मंशा ये है कि जो ये कालाबाजारी चल रही, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और जो सरकार का अवैध पैसा खा गया इन लोगों से वसूल किया जाए, पूरा का पूरा पैसा वसूल किया जाए, इंजीनियर के माध्यम से मूल्यांकन करके, पुनः मूल्यांकन करके जो राशि निकलती है इनसे तत्काल लिया जाए और इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी गरीब के जो मजदूर होता है कि गरीब, वो अपने बच्चों को किस हिसाब से पढ़ाएगा? भाई मजदूरी करता है, उससे उसको उम्मीद रहती है कि पैसा आएगा तो मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा, उसको स्वास्थ्य, बिजली, उसकी शिक्षा, सब सबका मेंटेनेंस करता करना पड़ता है, तो ये सब पैसे ये तो खा जाएंगे तो हम क्या करें, हम गरीब क्या करें, करें बताओ। हमारी तो जो सारी सोची हुई जो अभिलाषा है वो तो पूरी यहीं की खत्म हो गई ना। हमारा बच्चा अभी एग्जाम फीस नहीं दे पा रहा है, उसको एग्जाम वंचित कर दिए। नारे लगा नहीं, ठीक है मैडम जी, जांच हो रही है, लेकिन हमारा कहना जैसे कि मास्टर हाजिरी हाजिरी डालने का अधिकार इनको किसने दिया? कौन सा कानून कहता है कि अपनी मर्जी से मास्टर में हाजिर डाल, जो मौके पर है ही नहीं मास्टर? नहीं नहीं, बुलाओ ना यार, हमारा पैसा कटा क्यों? नहीं देखो, पैसा कटा डालना था 193 पूरी, नहीं तो डालना ही नहीं था। नहीं 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 नहीं, ये गलत है, 193 पूरी नहीं डले। देखो मनरेगा का नियम है, ये सब हम बताएंगे, बताओ इंजीनियर आपने काटा है, पुराने वाले ये इंजीनियर साहब ने लेगी। अब आपको कहना है कि मास्टर में फर्जी पाई गई, जांच दल ने जांच किया और